सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome to my channel Beauty Investigation Department. आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फेशियल मसाज कर सकते हैं विद आयुर हर्बल प्रोडक्ट्स। सो जैसा कि आप जानते हैं आयुर हर्बल की प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आयुर हर्बल की डीप पोर क्लिनजिंग मिल्क। ये जो क्लिनजिंग मिल्क है ये बहुत सस्ते में आता है, 45 रुपीज़ है इसका प्राइस, और ये आपके स्किन से सारे के सारे डार्ट एंड ऑयल एंड मेकअप को रिमूव करता है और ये आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। इट्स एनरिच्ड विद एलोवेरा रोज एंड क्यूकम्बर एंड ये आपके स्किन के पेज बैलेंस को मेंटेन करता है एंड ये एक अल्ट्रा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। सो गाइस, मेरे फेस में ज़्यादा कुछ मेकअप था नहीं इसलिए मैंने थोड़ा कम अमाउंट पर लिया। अगर आपके फेस में बहुत सारा मेकअप हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट पर लेना है। फिर एक कॉटन पैड से आपको इसको वाइप आउट कर लेना है। ये बहुत अच्छे से आपके स्किन से डर्ट एंड ऑयल या फिर मेकअप जो भी है उसको रिमूव करता है। ये जो मसाज आज मैं शेयर कर रही हूँ वो मसाज करने के पहले आपको ये सब कुछ फॉलो करना है। पहले ही होता है जो क्लिनजिंग जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट स्टेप है टोनिंग। टोनिंग के लिए हम यूज़ करने वाले हैं आयुर हर्बल के रोज़ वाटर टोनर। ये आपके स्किन के पेज बैलेंस को मेंटेन करता है, आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और आपके स्किन के जो पोर्स है उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेता है और ये जो एक्ने को फाइट करता है और माइक्रोब्स को भी फाइट करता है और पोर को टाइटन अप करता है। ये भी ओनली 40 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कॉटन में लेके आपको अपने फेस को वाइप आउट कर लेना है और आपका फेस का टोनिंग हो गया। इसके 2 मिनट बाद आपको शुरू करना है फेशियल मसाज के मेन स्टेप जो कि हम करने वाले हैं आयुर हर्बल के मसाज क्रीम के साथ। ये जो मसाज क्रीम है ये ओनली 90 to 95 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इट्स एनरिच्ड विद एलोवेरा एंड विटामिन ई। ये मसाज जो मैं अभी दिखा रही हूँ वो आपको बिल्कुल फॉलो करना है। इससे क्या होता है आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बूस्ट होता है, आपके स्किन टाइटन अप हो जाता है, स्किन में जो साइंस ऑफ एजिंग आना शुरू होता है वो सब भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, फाइन लाइंस और रिंकल्स जो आना शुरू होता है वो भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। सो ये गाइस बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है कि आपको एटलीस्ट वीक में एक बार, नहीं तो 1.5 वीक में एक बार तो आपको बिल्कुल ट्राई करना है फेस मसाज। और फेस मसाज आप ऐसे ही फेस में नहीं कर सकते जो मैंने पहले भी बताई है, इसलिए आपको पहले अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है, टोनिंग कर लेना है, फिर आपको लेना है फेशियल मसाज। इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मसाज करना है। मसाजिंग के लिए आप फेस रोलर भी यूज कर सकते हैं, मुझे हाथों से ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है इसलिए मैं हाथों से ही करती हूँ और ये बहुत रिलैक्सिंग है। इस तरीके से अगर आप मसाज करेंगे तो आपकी स्किन से जो है टॉक्सिन रिमूव होता जाएगा और गाइस हम सभी लोग जानते हैं कि टॉक्सिन के कारण ही हमारे स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो टॉक्सिन अगर रिमूव हो गया तो आपकी स्किन में कील, मुहासे, पिंपल्स वगैरह ये सब कुछ नहीं आने वाला है। तो आपको बिल्कुल फॉलो करना है। इसमें जो फेस ऑयल है वो बहुत ही अच्छा है मसाज क्रीम में। सो इसलिए ये मसाज क्रीम बहुत अल्ट्रा अफोर्डेबल है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। इस तरीके से मसाज अगर आप करते जाएंगे तो 2 to 3 वीक्स के अंदर आपकी स्किन में जो है विजिबल डिफरेंस आ जाएगा और अंदर से निखार आएगा। यहाँ पे जो भी मैंने मसाज टेक्निक दिखाई वो मैंने काफ़ी सालों से फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी जो मैं स्टेप दिखा रही हूँ वो आईज एरिया के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। आपको इस तरीके से फेस के मिडल एरिया के में शुरू करके आपको ईयर तक जाना है तभी टॉक्सिन रिमूव होता है। इस तरीके से ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल फॉलो करना है। अभी जो मैं स्टेप दिखा रही हूँ
वो स्माइल करने के लिए, स्माइल करने के कारण वो स्माइल के लिए फाइन लाइंस हो जाता है, वो रिमूव होने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसको फॉलो करें। अभी एक कॉटन से आपको इसको वाइप आउट कर लेना है। ध्यान रहे इसके बाद आपको फेस वॉश अप्लाई नहीं करना है, बस आपको एक कॉटन की मदद से इसको वाइप आउट कर लेना है। ओके, अब चलते हैं हमारी लास्ट प्रोसेस है, जो कि है मेरी होममेड एलोवेरा सीरम। इसको मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होता है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड फील होता है और मेरी स्किन है ऑयली, एंड विंटर में मेरी स्किन थोड़ा सा कॉम्बिनेशन टाइप हो जाता है और समर में थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, तो मेरी स्किन के लिए एलोवेरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो एलोवेरा जेल के साथ मैं कुछ सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स मिला के मेरा ग्लो सीरम तैयार करती हूँ और वो ही मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक बिल्कुल करें और मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जाके आप मेरे कोई इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर दें। और इस मसाजिंग टेक्निक को बिल्कुल फॉलो करें। लव फॉर यू फ्रॉम बी आई डी।